बीच में बैठे वो बैठ बैठ आराम से बैठ आते कोई तकलीफ नहीं। कुशीप ग्राम पंचायत का कोविड के गाइडलाइन की निरीक्षण के लिए मैं और राजस्व टीम कुशीप गांव में आए थे। तो यहाँ बड़ा सारा टेंट लगा हुआ मिला और बहुत सारे लोग, कम से कम 50 से 100 लोग यहाँ मिले। तो हमने पूछताछ की तो जो संबंधित संचालक है, जो ये मेडिकल स्टोर चलाता है, उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो हमने इस मेडिकल स्टोर के अंदर जा कर के देखा तो लगभग 50 बेड लगे हुए थे। और वो उसने बताया कि ये काम वो कई सालों से या कई महीनों से, कई दिनों से तो यहाँ भी कर रहा है, 40 दिन बताया उसने। गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये ऑक्सीजन भी लगाता है, दवाई भी यही देता है और ये क्लिनिक भी वही चलाता है। और 50 बेड है तो 50 लोगों को ये एडमिट भी करता है। साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयों को देने का काम भी यही करता है। तो उसमें हमें संदेह मिला। इसको जो संबंधित जो ये संचालक है उनसे कोई फार्मासिस्ट का लाइसेंस, हाँ हमने इससे जब डिग्री के बारे में और फार्मासिस्ट का दुकान के लाइसेंस के बारे में पूछा तो इनके पास कुछ नहीं मिला। और इन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं ऐसे इलाज करता हूँ।